हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि चैम्प कैश का चैलेंज आप लोगों को किस तरह से कंप्लीट करना है ताकि आप लोग अनलिमिटेड अर्निंग कर सके। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ यू हैव टू कंप्लीट द चैलेंज ऑफ चैम्प कैश सो दैट यू कैन अर्न अनलिमिटेड फ्रॉम द चैम्प कैश। ओके, सो एज यू ओपन द चैम्प कैश आफ्टर साइन अप यू विल सी दिस स्क्रीन इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया। अगर आप इंडिया से हो तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी जिसके अंदर यहाँ पर लिखा है कि कुछ एप्लीकेशंस दी गई है, 7-8 एप्लीकेशन मुझे इंस्टॉल करनी होगी। तो एज़ यू कैन सी दैट मैनी 6 to 7 एप्लीकेशंस आर देयर एंड आई हैव टू इंस्टॉल देम। तो मुझे एक एक करके हर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते जाना है और जिस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन के लिए लिखा है उसमें रजिस्ट्रेशन भी मुझे करना ज़रूरी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक यहाँ पर राइट साइड में बटन दिया हुआ है जो ऑडियो ट्यूटोरियल है, हेयर इन द राइट ऑडियो ट्यूटोरियल इज़ देयर। प्लान भी यहाँ पर दिया हुआ है, अर्निंग कैसे करनी है उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है हाउ टू अर्न के अंदर, और व्हाट इज़ चैम्प कैश, आप जानना चाहते हैं चैम्प कैश क्या है, वो भी आपको ऊपर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों चैलेंज किस तरह से कंप्लीट करना है, जैसे ही आप अमेज़ोन जैसे ऐप है, ये ऐप मेरे फ़ोन में इंस्टॉल नहीं है तो मैं इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा। इसमें लिखा है कि रजिस्टर भी करना है इस ऐप में, तो मैं जब इंस्टॉल करूँगा, जैसे ही मैं इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा तो ये सीधा मुझे प्ले स्टोर पर ले जाएगा। एज आई क्लिक ऑन इंस्टॉल इट विल रिडायरेक्ट मी टू द प्ले स्टोर। सो आई हैव टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, तो मुझे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद इसको खोल कर देखना है। और एज़ यू सीन दैट रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी फॉर दिस ऐप, तो रजिस्ट्रेशन भी करना इस ऐप के अंदर मुझे ज़रूरी है। तो अभी देखिए ऐप इंस्टॉल हो रही है और जैसे इंस्टॉल हो जाएगी इसको मुझे ओपन करना होगा। आफ्टर इंस्टॉलिंग आई हैव टू ओपन दिस ऐप। ओके, तो फ्रेंड्स चैलेंज करना बहुत आसान है और चैलेंज एक ही बार लाइफ में कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो जैसे ये इंस्टॉल हो गई, अब मुझे पॉपअप आया और मैं प्रोसीड पर क्लिक करूँगा, ये ऐप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। सो यू कैन सी दैट ऐप इज़ नाउ ऑटोमेटिकली ओपन आफ्टर क्लिकिंग ऑन द पॉपअप। सो हेयर बिकॉज मैं ऑलरेडी साइन अप था अमेज़ॉन में, तो मुझे ये पूछ रहे कि आप इसी से कंटिन्यू करना है या अलग अकाउंट बनाना है, तो आपको साइन अप करना है यूज़ अ डिफरेंट अकाउंट। तो यहाँ से क्रिएट न्यू अकाउंट करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट न्यू अकाउंट और यू हैव टू एंटर ऑल योर डिटेल्स एंड सबमिट। तो ये 2 से 3 मिनट का प्रोसेस होगा और फटाफट ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ऐप को 2 से 3 मिनट तक टोटल आपको खोल के भी देखना है, तो वो पूरा प्रोसेस ही 3 मिनट का होता है। उसके बाद चैम्प कैश को आपको दोबारा ओपन करना है। चैम्प कैश को जैसे ही आप ओपन करेंगे, रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पर डन आ जाएगा। इसी तरह से एक एक करके सारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते जाना है, जो जो कंडीशन उसमें लिखी है। यू हैव टू इंस्टॉल द ऐप्स एंड यू हैव टू फुलफिल ऑल द कंडीशन, लाइक इन द सावन ऐप यू हैव टू लिसन द सॉन्ग, तो सावन में जैसे सॉन्ग सुनना है। ओके, सो फ्री टॉक टाइम है, जैसे ऐप्स लॉन्चर, रेड बस, ये इस तरह की ऐप्स के साथ चैम्प कैश के टाइप चलते रहते हैं और आपको इन ऐप्स को इंस्टॉल करना होता है, और अगर साइन अप के लिए बोला गया तो साइन अप भी करना ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपने अपलाइन का फ़ोन नंबर जानना चाहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए कोई ऐप इंस्टॉल नहीं हो रही, आपके फ़ोन में स्पेस नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने अपलाइनर को भी कॉल कर सकते हैं ये प्लस पर क्लिक करके अपलाइन इन्फो में जाके। ठीक है, अपलाइन इन्फो में जाएंगे तो आपके अपलाइनर का मोबाइल नंबर आ जाएगा और आप उनसे बोल सकते हैं कि मुझे चैलेंज कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आ रही है, या आप कस्टमर केयर पर भी कॉल कर सकते हैं चैम्प कैश के ऑफिस में डायरेक्टली। तो यहाँ पर अपलाइन इन्फो, वीडियो ट्यूटोरियल, हेल्प, एवरी ऑप्शन इज़ देयर, तो आपको कुछ भी अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर मेन्यू में डैशबोर्ड अनलॉक रहेगा जब तक आप ये चैलेंज कंप्लीट नहीं कर लेते। तो लाइफ में एक ही बार कंप्लीट करना है, उसके बाद आप चैम्प कैश के अंदर जो अर्निंग के सोर्सेज है, चाहे वो इनकम जंक्शन हो, चाहे वो ऐड जंक्शन हो, चाहे वो ज्वाइनिंग हो, चाहे वो अर्न मोर हो, चाहे वो शॉपिंग हो, हर ऑप्शन को यूज़ कर पाएंगे। मतलब चैम्प कैश में आप जितनी बार चैम्प कैश को खोलेंगे उतनी बार पैसा कमा पाएंगे, पर उसके लिए एक बार चैलेंज कंप्लीट करना ज़रूरी है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप जल्दी अपना चैलेंज कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।